अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित पंजशीर घाटी में विद्रोही गुट और तालिबान के बीच जंग लगातार जारी है। वहीं हाल ही में विद्रोही गुट ने दावा किया है कि उसने करीब 600 तालिबान के लड़ाके को मार गिराया है। इसके अलावा करीब 1000 लड़ाकों को पकड़ लिया गया है, इनमें से कईयों ने सरेंडर कर लिए। खबरों के मुताबिक ये दावा विरोधी गुट के प्रवक्ता फहीम दस्ती ने ट्वीट के जरिए किया। बता दें कि पिछले कई दिनों से यहां लड़ाई चल रही है। शनिवार को तालिबान ने इस इलाके पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन बाद में पंजशीर के लड़ाकों के एक नेता अमरुल्ला सालेह ने उस दावे को खारिज कर दिया। पंजशीर एकमात्र इलाका है जहां तालिबान ने अभी तक कब्जा नहीं किया है। पंजशीर के लड़ाकों का नेतृत्व पूर्व अफगान मुरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूर के बेटे अहमद मसूर और कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह कर रहे हैं। साल 1996 से लेकर 2001 के बीच जब तालिबान का अफगानिस्तान में राज था, उस वक्त भी इस घाटी पर वो कब्जा नहीं कर सका था। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, लाइट ऑफ लाइट।